नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले सहित शहर में लगातार चोरी, लूट, राहजनी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिरों को चोरों ने निशाना बनाया है। बता दें कि उपरहटी क्षेत्र में स्थित 100 वर्ष पुराने प्रधान टोला मंदिर में लड्डू गोपाल सहित राधा रानी की मूर्ति तथा भोग लगाने वाले बर्तन एवं लोटा व घंटिया तक चोर चुरा ले गए। नहीं है ना, मंदिर के पुजारी देवेंद्र कुमार मालवीय ने बताया कि मैं शाम को पूजा अर्चना करके मंदिर का पट बंद करके अपने घर चला गया था। जिसके बाद आज पड़ोस के लोग जब सुबह पूजा के लिए पहुंचे तो पुजारी जी को सूचना दी गई कि यहां पर मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ है और सामान बिखरा हुआ है। इसके बाद मौके पर पहुंचे मंदिर के पुजारी ने तत्काल डायल 100 पुलिस को सूचना दी। बीते एक वर्ष से सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत यहाँ के मंदिरों को चोर लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। वैसे तरीके से दूसरी घटना मछरिया दरवाजा स्थित शिव मंदिर में लगी पीतल की घंटी को ही उखाड़ ले गए, जिसके बाद अब चोरी की इन घटनाओं से समाज के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। लोगों की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द इन चोरों के मामलों का खुलासा करे और चोरों को गिरफ्तार करे। मेरा नाम देवेंद्र कुमार मालवीय है, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। क्या घटना हुई है इस मंदिर में? कल शाम को मैं पूजा करके गया, तब सब कुछ ठीक ठाक था और अभी जब आया सुबह टाइम तो फोन गया मेरे को घर में कि मंदिर में जो गेट खुला हुआ है। तो मैं आया अभी, देखा तो यहाँ पूरे मंदिर में जितनी पीतल की मूर्तियाँ थीं, पंडित भगवान की 4 सखियाँ थीं, लड्डू गोपाल जी 3 थे, मुरली मनोहर थे और राधा रानी थीं और भगवान की चांदी की आँखें थीं, लोटा था, भगवान के सारे भोग के बर्तन थे, सारे सामान घंटी उंटी सब लेके चोर चले गए। तो कौन सी मंदिर है ये? प्रधान टोला मंदिर है। कितने वर्ष पुरानी मंदिर है? लगभग 100-150 साल, 200 साल पुरानी मंदिर है जैसा कि मैं सुन रहा हूँ। आपने थाने में कंप्लेंट की? अभी डायल 100 कंप्लेंट किया है, बोले कि अभी आपको सहायता प्रदान की जाएगी, अभी तक कोई सहायता प्रदान नहीं करी गई। सुनना देवेंद्र कुमार मालवीय।